सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज इसलिए बुलाई है कि आपने पहले भी एक देखा होगा, हमने दिसंबर के महीने में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वो एक फेक निकला। इसी तरह 29 जुलाई का वाकया है, एक एक्सीडेंट हुआ शिबनोत प्रेम नगर के पास। उसमें भी जब हमें इत्तला मिली और वहाँ चौकी है हमारी प्रेम नगर, वहाँ जब इत्तला मिली वहाँ से पुलिस पार्टी, वहाँ शिबनोत मौके पर जब आई, वहाँ जब मौके का मायना किया तो जो एक्सीडेंट की लोकेशन थी उससे पता चला कि ये इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ फेक है, ये रियल टाइप नहीं लगा हमें। तो उसी के सिलसिले में हमने वहाँ जो सीन ऑफ अक्रेंस था उसकी बारीकी से जब मॉनिटरी अब उसकी इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन के दौरान हमें कुछ मिला, एक मोबाइल मिला। उसके बाद हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू कर दी। जब मोबाइल का हमें टेक्निकल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद वो हमें पता चला कि वो किसी आशिक अली के नाम का था। जब उससे हमने कांटेक्ट किया, उससे पूछताछ की, उसने कहा कि जो मोबाइल है ये मेरे नाम है, लेकिन मेरा ब्रदर इन लॉ है वो इसको यूज़ करता है जो कि ड्राइवर है। उसी के कहने पे हमने इसको उठाया। जब इसको शमीम अहमद सन ऑफ बशीर अहमद जो कि ड्राइवर था, एक जुंगा जो जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ ये लाया था, सामान लाता है उसमें, उसको वहाँ लाया। उसके बाद जब हमने इसको इंटरोगेट किया क्वेश्चनिंग के दौरान, इसने कन्फेस किया कि मैं जो जम्मू से सामान लाया था किश्तवाड़ के लिए, वो इसने, इसका जो एक ब्रदर इन लॉ आशिक और इसका बाप बशीर अहमद, इन्होंने मिल के जो सामान था कुछ वो त्रौन बाहला और प्रानू के एरिया में कुछ जगहों पे रखा, कुछ घर में रखा, कुछ दुकान पे रखा। उसके बाद थोड़ा सा सामान जो था वो उन्होंने जुंगे में रखा और उस जुंगे को चनाब दरिया में शिबनोत की जगह से नीचे डाल दिया। उसमें जब और इंटरोगेशन किया, जब हमने तीनों को उठाया, उनके कन्फेशन पर हमने जो बाकी सामान है जो इन्होंने रखा था, कि एक दुकान पे रखा था, किसी घर में रखा था, आगे पीछे कुछ दरिया में फेंकने की कोशिश की थी, वो सारा हमने अभी तक रिकवर किया है। तो इस सारे सामान की जब हमने मालियत का एक्सेस किया, उसकी जब असेसमेंट की, तो वो टोटल को 11 लाख के करीब अभी तक हमारी रिकवरी हो गई है। और जो ये रिकवरी है, आगे हमारी क्वेश्चनिंग चल रही है और भी रिकवरी हो सकती है इसमें। इसमें क्या क्या आपने इससे जो बरामद किया है वो थोड़ा सा डिटेल से बताएं, क्या क्या इससे लिया था? जी हाँ, अभी तक जैसे ग्रोसरी आइटम है, फूड्स आइटम्स हैं, ये है अपना हाउस होल्ड आइटम्स जो भी होती हैं, इसमें क्लॉथ्स हैं, इसका सामान है हमारे पास, हार्डवेयर का सामान है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, इस तरह कुल मिला के काफ़ी सारे आइटम्स हैं इसमें। सर, इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ पता चला कि क्यों इस तरह की जो है वारदातों को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, उसमें ये बताया गया था कि इसको कोई बैंक कर सकता है। इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस फर्दर क्या कर रही है? जी हाँ, इसका जब हमने पूरा इसको जब इंटरोगेट किया, इसका जो पीछे का पास्ट का पूरा हमने एनालिसिस किया, तो पता चला कि ये पहले से भी चोरी चकारी में रहा है। इसने एक दो बार पहले भी अटेम्प्ट की है चोरियों की। तो जब इलाके से भी हमने पता चला, जब इसको हमने उठाया तो हमें इंफॉर्मेशन आगे पीछे से मिल गई कि ये जो है पहले भी ऐसी वारदातें कुछ अटेम्प्ट करता रहा है, लेकिन इसका जो पास्ट है वो भी इस चोरी में रहा है। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें भी हमें कोई कोई क्ल्यू मिलेगा तो जो पीछे वाला केस कोई है उसको भी रिओपन जरूर करेंगे। सर, आपको कितनी रिकवरी है अभी तक मिल चुका है? अभी तक हमें रिकवरी काफ़ी हो गई है, जैसे मैंने आइटम्स बताई हैं आपको, फूड आइटम्स हैं, हार्डवेयर का सामान है, स्टेशनरी है, और ये हैं कंबल हैं, क्लॉथ्स हैं, इस कुल मालियत जो इसकी हो गई अभी तक 11 लाख के करीब हो गई। सर, ये जो बार बार ऐसा दूसरा वाकया एक साल के अंदर आ रहा है जहाँ पर फेक है ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या इस तरह के जो वाकयात हैं आने वाले दिनों में कोई यार एक्सीडेंट होता है जिसमें सच में जानी नुकसान, रियाज जनाब घर को जाती है कोई गाड़ी, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में आप क्या वो एक शक जैसा रहेगा कि क्या ये वाकया हादसा हुआ है या इसमें भी कोई ड्रामा है? देखो, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर चीज़ को शक से देखती है, तो हम उसकी तह तक जाते हैं, हर चीज़ को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट है चाहे किसी ने फेक किया है। तो उसकी पूरी, जब तक हमें 360 डिग्री पूरा हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। तो जब भी ऐसा कोई कोशिश करेगा तो ज़रूर हम उसको पकड़ लेंगे। आपने देखा, 2 केस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, और भी अगर हमारे नोटिस में ऐसे केस आएंगे, कोई ज़रूर कोशिश करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे। आपके माध्यम से मेरी लोगों से भी अपील है कि ऐसा ना करें, वो जो भी ऐसा गलत करते हैं पकड़े जाएंगे और बाद में उसका अपना लॉस होगा और वो जो अपने एम्प्लायर हैं उनका लॉस भी करते हैं, और ये एक ऐसी रूटीन बना लेते हैं, ये एक शॉर्टकट, एक तरीका ढूंढते हैं कमाई करने का, वो गलत है, गलत रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने जो किया है इनको ज़रूर कानून के जोड़ा हिसाब पुलिस से के इनको लिए सज़ा कितनी, मिलेगी। जोड़ा पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? कामयाबी जैसे आप देख रहे हैं, सामान हमने पकड़ा है, जो मालिक बेचारे थे उनका सामान, जो मंगाते हैं दुकानदार उनका सामान इसने ज़ाया किया, और जो
झुंगे का मालिक है, उसका भी इसने उस झुंगे का भी नुकसान किया है, तो ये हमारे लिए कामयाबी है, डेटेंस रहता है। अगर हम ये केस ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, आइंदा और लोगों की ऐसे हिम्मत नहीं होगी, नहीं लोग कोशिश करेंगे ऐसा काम करने की, तो इसलिए हमारी ये कामयाबी है इसमें। हाँ जी, अभी तक 11 लाख का जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है वो हमने रिकवर किया है, और आगे भी हमारी कोशिश है कि हम और इसको इंटेरोगेट करेंगे, और इससे होगा अगर सामान तो हमें ज़रूर मिलेगा, हम उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।